और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर किसान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद दिख रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्वांचल पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड देवरिया के एक किसान भाई श्री वेद व्यास सिंह जी को। आज इस राज्य स्तरीय एफपीओ सम्मेलन में आए हुए समस्त किसान भाइयों को और यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को और सभी अधिकारीगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महोदय, बताना चाहता हूँ कि एफपीओ जो है, ये जो कहा गया है कि संघे शक्ति कलजुगे, ये निश्चित तौर पर एफपीओ जो है इस बात को चरितार्थ करती है, साबित करती है कि अगर किसान एक साथ जुट के काम करें तो निश्चित तौर पर वो बिचौलियों को हटा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग की जो एफपीओ है 2015 में नाबार्ड के सहयोग से बनी थी और हम लोगों ने आज 4 साल के सफरनामे में 10 करोड़ का व्यवसाय हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने भारत सरकार को 7 लाख रुपये इनकम टैक्स के रूप में भी पेमेंट किया है और हम लोग जो काम कर रहे हैं सर, आज तक हमको बैंकों से कोई लिंकेज नहीं मिल पाया, बैंक के एफपीओ के मॉडल को समझ नहीं पा रहे हैं हम। जिस बैंक में हमारा पैसा जमा है वो बैंक ही हमको फाइनेंस करने को तैयार नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे बैंक कैसे फाइनेंस करेंगे। ये सब दिक्कतें आ रही हैं, बैंकों को उदार होना पड़ेगा। सिर्फ अदानी और विजय माल्या को के लिए चेस्ट न खोलें, हम किसानों के लिए भी थोड़ा सा अगर दरवाजा खोल दें तो निश्चित तौर पर किसान समृद्ध हो जाएगा, खुशी हो जाएगा और देश खुशहाल बन जाएगा। महोदय, कहना चाहता हूँ कि आज पोल्ट्री सेक्टर से हमारी एफपीओ है और पोल्ट्री सेक्टर की वजह से देश के 1.5 करोड़ किसानों की आय पिछले 1-1.5 वर्ष के अंदर दुगुनी नहीं तिगुनी पहुंच चुकी है, जो मक्के की खेती करते हैं। 1400 रुपए का जो मक्का था, आज हम लोग उसको 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज पोल्ट्री व्यवसाय थोड़ा पीछे चल रहा है, घाटे में जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा सरकार का सहयोग की आवश्यकता है। जो मक्के की कीमत किसानों से 70.5 रुपए सरकार ने तय किया है, उस कीमत पर हमें उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए ताकि हम अंडा उत्पादक जो पोल्ट्री सेक्टर के लोग हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, क्योंकि अंडे की दाम बढ़ा नहीं और फीड का दाम 35% बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में आज के डेट में 40% पोल्ट्री फार्म बंद होने के कगार पे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मक्का की खरीद हो रही है सरकार द्वारा, वो मक्का हमें उपलब्ध कराया जाए या बाहर से भी मक्का मंगा के हमें दिया जाए, क्योंकि बाहर मक्के की कीमत आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1250 रुपये क्विंटल है और यहाँ पर हमको 2400 रुपये क्विंटल देना पड़ रहा है। इसलिए बाहर से भी मक्का मंगवा के अगर हमें दिया जाए तो हम सर्वाइव करेंगे, इससे हमारे किसान मजबूत होंगे। और ज्यादा ना कहते हुए मैं माननीय, चूंकि समय कम है, माननीय मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्मठ और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा लगे रहने वाले कृषि मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश कुमार जी को, जो रायबरेली एफपीओ के सदस्य। आदरणीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री श्री जी और नाबार्ड सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम रायबरेली जनपद के एक किसान हैं। मेरा नाम रमेश कुमार है। हमारे यहाँ 31 जुलाई 2015 का रायबरेली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो है उद्घाटन हुआ था। मेरे यहाँ रायबरेली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में लगभग 800 किसान हैं। हर तीसरे महीना बराबर मीटिंग होती है और हमारे यहाँ खाद बीज कीटनाशक मिलता है, गेहूँ की आड़त अधिक की जाती है। किसानों का जो है उत्पाद अच्छे रेट पर जो है कंपनी में जो है लिया जाता है और हम लोग वहीं जा करके वहाँ बेचते हैं ताकि बिचौलियों से हमारा जो है उत्पाद बच गया है और कंपनी में देते हैं, हमको अच्छा लाभ होता है।
और सारे लोग और जो 500 किसान है वहीं जा करके हम लोग सारे लोग वही देते हैं, वहाँ से खाद बीज और हमें खाद भी वहीं देते हैं और लेते हैं बराबर। जय हिंद जय भारत। हमने विशेष रूप से दूसरे राज्यों के एफपीओ के सदस्य को भी यहाँ बुलाया है, जिससे हम जान सके कि क्या उत्तर प्रदेश इन सफल एफपीओ के कहानियों को दोहरा पाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी श्री योगेश थोरड़ जी को। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित मंचगण और मेरे किसान भाई बहनों, मैंने पहले सेशन में महाराष्ट्र के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था। 250 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का महाएफपीसी एक राज्य स्तरीय संगठन है और जिसने अपने राज्य में एफपीओ मूवमेंट को एक जीवित रखा है और किसानों के तरक्की में काफी काम किया है। हमारे सक्सेस के जो चार पहलू होंगे उसमें तो पहला पहलू ये है कि महाराष्ट्र के छोटे और सीमांत किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने गांव लेवल पे जो उत्पादन को लेते हैं उसका मूल्य संवर्धन करना शुरू कर दिया है और तीसरा इसमें वो रोजगार गांव लेवल पे तैयार करने लगे और इससे इस सारे इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट हमारे एग्रीकल्चर में प्रमोट हो रही है। मुझे लगता है कि जो कुछ किसान भाइयों से एफपीओ से जो कल से मेरी मुलाकात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के लिए जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरी राय से आपके राज्य ने काफी इनिशिएटिव लिया है। मैंने कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स देखे और दिल्ली में जो बदलाव होता है वो सबसे पहले बदलाव मुझे ऐसे पहले लग रहा था कि हमारे राज्य में होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के सबसे ज्यादा कानून में बदलाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उसमें जो एफपीओ को आपने प्राथमिकता दी है, हमारे राज्य में भी अभी उस लाइन पे जरूर आपने इनिशिएशन लिया है तो उसमें काम हो जाएगा। सेकंडली उसमें सर मुझे दो मुद्दे और ऐड करने की जरूरत लगती है। एक तो जो मार्केट से इसका पॉइंट है, हम भी हमारे क्षेत्र में रेज कर रहे हैं, अभी एक तो 2% का मार्केट सेस है और जो सेस है वो 0.5% है, तो उसको अगर हम कम कर सकते हैं क्योंकि जितना राज्य में प्रोड्यूस होता है आपके 250 बाजार समिति में उनमें से खाली 650 लाख टन का कमोडिटी आता है और मंडी उत्पादन बोर्ड को 1800 करोड़ रुपए उससे मिलते हैं, लेकिन जो हमारा राज्य में उत्पादन होता है उसमें से मात्र 14% उत्पादन हमारे मंडी थ्रू बेचा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा सेस के मैकेनिज्म को हटा देते, डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस का महाराष्ट्र में भी प्रयोग हुआ था, लेकिन दिक्कतें ये आई कि 10 साल होने के बाद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ रही है, उसमें मार्केट सेस का एक बहुत बड़ा चक्कर लग रहा है जिसके कारण प्राइवेट लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। सेकेंडली जो पीएसएस और पीएसए प्रोक्योरमेंट है उसमें काफी इनिशिएशन हमारे राज्य में ले लिया है, जैसे पूरा जो खरीदी केंद्र होता है वो गांव गांव लेवल पे चलता है। इसके कारण जैसे उज्ज्वला योजना है, बाकी की योजना है, उसी के तहत हमारे राज्य के किसानों को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और राज्य सरकार की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का बेनिफिट होता है। और सेकेंडली इसके लिए एफपीओ बनाना जरूरी है, उसके लिए राज्य सरकार की मदद से जो मूल्यवर्धन की सुविधा है वो अगर गांव लेवल पे तैयार करते हैं, उसमें छोटी छोटी सामग्री जैसे क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग मशीन से छोटे छोटे वेयर हाउसेस से तभी वो उनका कृषि व्यवसाय प्रमोट हो जाता है। और लास्टली जो फिनेंशियल सपोर्ट स्टेट की तरफ से हम जो देखते हैं, जैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमारे स्टेट में लिए हैं कि हम फ्री में कोई नहीं मारते, अगर व्यवसाय की बात होती है और किसान भी अब उस मोड से बाहर आ चुके कि फ्री में हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जैसे भंडारण कॉर्पोरेशन है उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अगर किसान उत्पादक कंपनी वहां पे कमोडिटी स्टॉक करती है तो उसके रेंट में हम 50% का डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस के जो लोन से अभी बैंकर्स के किसान भाई ने बताया कि बैंक्स नहीं दे रहे, दिक्कतें आ रही है, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें 7% इंटरेस्ट रेट से वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस भी हमारे राज्य में प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद जो इंटरस्टेट ट्रेड है, इंटरस्टेट ट्रेड में जैसे आपके राज्य की जो योजना थी कि पोटैटो फार्मर्स के लिए बाहर के राज्य में बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी थी, वही
योजना खाली एफपीओज के लिए हमारे स्टेट में बना जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि आपके राज्य में काफी जो पोटेंशियल है, 26% जीडीपी जो आपका राज्य कृषि क्षेत्र राज्य के उत्पादन में कंट्रीब्यूट करता है, तो किसान उत्पादक कंपनियों का अगर इसमें जोड़ दिया जाता है, एक डिलीवरी चैनल बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि कम से कम और 10% से एग्रीकल्चर का जीडीपी राज्य के टोटल जीडीपी में आ जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्रीगण और अधिकारीगण, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और एक छोटा सा क्षेत्र है सतपुड़ा पहाड़ियों में बसा हुआ, पचमढ़ी आपने सुना होगा, पचमढ़ी से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है। वहाँ के किसान बहुत तकलीफ में थे क्योंकि वहाँ पानी बहुत गिरता है मगर वो पूरा जमीन से नीचे चला जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो कृषि बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स दूसरे बहुत अच्छे थे। तो हमने 2015 में नाबार्ड की मदद से एक एफपीओ की शुरुआत की और वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की महिलाओं ने इस कंपनी की शुरुआत की, सारी महिलाएँ जुड़ी और उन्होंने कहा कि जो हम जंगल से और खेतों की बेड़ों से जो हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं और वो बिचौलियों को बेचते हैं उसके प्रति हमें कुछ काम करना चाहिए, तो उसके लिए हमने शुरुआत की और एक ऐसा मॉडल, नया इनोवेशन मॉडल खड़ा किया। वहाँ पे हमारा एक प्रोसेसिंग सेंटर है जिसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं और ऐसी चीज़ों का वैल्यू एडिशन करते हैं जो जैसे आपने सुना होगा रागी, कोदो, कुटकी, सवा, इस तरीके के जो मिलेट्स हैं उन पे हमने काम शुरू किया। अभी मैंने देखा बिग बाजार में दिल्ली में भी और दूसरी जगहों पे इसके 24 मित्रा की कंपनी है, वो इसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट कर रही है और अभी हम भी ट्राइफेड के साथ मिलके सारे देश में हमारे प्रोडक्ट्स अभी आज पहुंचने लगे हैं। खास चीज़ ये है कि इसमें जो सोच थी वो ये थी कि बाजार को गांव के साथ कैसे जोड़ा जाए, दूसरा जब उसको जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा। अगर आप अपने ही रिसोर्स, अपनी ही जो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है यदि उसको प्रोसेस करते हैं और मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाते हैं और बाजार के साथ लिंक करते हैं तो एक बड़ा रोजगार का अवसर खड़ा होता है। हमारी आशा यही थी, हमने बहुत कम मार्जिन पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हमने बहुत मिनिमम रखा लेकिन हमने जो रोजगार का जो साधन था, जो लोगों को उससे इनकम हो रही थी काम करने से, वो हमने रखा और बिचौलियों से हमने उनकी उपज को बचाया। ये एक मेन चीज थी। साथ में मैं अभी क्योंकि ये एक बड़ा मंच है, यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है किसान, एक PMKSY प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यदि ये योजना को FPOs के साथ सही तरीके से लिंक किया जाए तो इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। ये एक मेन चीज है और क्षेत्रीय लोकल बेस आधारित जो भी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया जा सकता है लोकल बेस क्षेत्रीय बेस पे, उसको इस योजना के साथ जोड़ के यदि हम काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। एक रिश्ता अटूट, अपने आप में परिपूर्ण, एक मकसद दृढ़ और गहरा, माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री सूर्य प्रताप शाही जी का रिश्ता नाबार्ड से काफी पुराना और सहयोग भरा रहा है। इनका मार्गदर्शन नाबार्ड को कई अवसरों पर प्राप्त हुआ है। माननीय कृषि मंत्री जी ने हमेशा से ही किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक कदम उठाए हैं। सर, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आप आज हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी
कि आप अपने बहुमूल्य वचनों से संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। राज्य स्तरीय एफपीओ सम्मेलन और सम्मान समारोह जिसका आयोजन नाबार्ड ने किया है, इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो कर्मयोगी भी है और तपस्वी भी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मौजूद है और वहां पर किसान सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं।